यूएनएससी में जो आग भारत ने लगाई है उसकी आंच जब चीन पर आई, तो अब चीन ने एक ऐसा स्टेप लिया है जिससे करोड़ों भारतीय बाग बाग हो सकते हैं। अब दोस्तों ऐसा तूफान उठा है जो या तो वीटो पावर को जड़ से उखाड़ फेंकेगा या फिर जल्द भारत के पास में वीटो पावर आने वाला है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के वीटो को लटकाने के मामले पर टीम इंडिया ने 26 अप्रैल को बहुत ही बोल्ड और स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस दिए थे। भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से कहा कि रिफॉर्म्स के बाद सिक्योरिटी काउंसिल के नए परमानेंट मेंबर्स को भी वीटो पावर दी जानी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं करना है तो पुराने परमानेंट मेंबर्स हैं उनका वीटो पावर भी छीन लिया जाना चाहिए, उनके अधिकार को एबोलिश कर देना चाहिए यानी इसे खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों यूएन में इंडियन मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने यूएन असेंबली में दुनिया के 193 देशों के सामने ये बात बोली और कहा कि अगर नए देशों को वीटो पावर नहीं दी जाती है तो पुराने परमानेंट मेंबर्स के पास भी वीटो का अधिकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भारत ने क्लियरली कहा कि वीटो पर भारत की क्लियर पोजीशन है। साल 2008 में ही यूएनजीए ने सर्वसम्मति से सहमति दी थी कि वीटो के सवालों समेत यूएनएससी में रिफॉर्म्स के सभी पहलुओं पर व्यापक तरीके से डिसीजन लिया जाएगा, इसमें किसी भी एक ग्रुप की नेतागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी। मतलब भारत का इशारा क्लियरली चीन की ओर था जो बार बार भारत के आगे अड़ंगा लगाता है। दोस्तों भारत ने वीटो देशों की दादागिरी पर एक बार फिर से बमबारी करते हुए कहा कि वीटो यूज करने का स्पेशल पावर केवल 5 देशों के पास है जो बाकी के देशों के संप्रभु समानता की अवधारणा के खिलाफ है, और ये आज भी सेकंड वर्ल्ड वॉर के माइंडसेट को दिखाता है। लिहाजा अब या तो P5 नेशन से वीटो पावर छीन लिया जाए और सभी फैसले 193 सदस्य देशों की वोटिंग के आधार पर हो, या फिर नए मेंबर्स को वीटो पावर देकर इस संस्था में सुधार किया जाए। दोस्तों भारत ने पहली बार क्लियरली कहा कि वीटो पावर को खत्म करने से भारत को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये रहता है तो फिर नए परमानेंट मेंबर्स को भी दी जानी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी क्लियर कट कहा कि 77 साल हो चुके हैं, अब इस संस्था को बदलने की दरकार है, ये संस्था अब कबाड़ बन चुकी है और भारत की विदेश नीति संयुक्त राष्ट्र में बदलाव का पार्ट बन चुकी है। और दोस्तों चीन के ताजा बयान से यही लग रहा है कि उसने इस बार सरेंडर कर डाला है। चीन की ओर से वांग यी ने कहा है कि यूएनएससी का परमानेंट मेंबर होने के नाते चीन ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र के कॉल्स का सपोर्ट किया है, यानी इसमें बाकी देश भी शामिल होने चाहिए ताकि यूएनएससी दुनिया में शांति, सुरक्षा और विकास को बनाए रख सके, क्योंकि इस बार जो आग भारत ने लगाई है उसकी तपिश बहुत तेज है। और दोस्तों यूएन को लेकर के कहा भी जाता है कि वहां आग लगाए बगैर कुछ नहीं होता है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि आज की डेट में फाइनेंशियल पोजीशन, डेमोग्राफिक चेंजिंग और पावर डायनेमिक्स सब कुछ इंडिया के फेवर में है। भारत इस वक्त G20 का प्रेसिडेंट है, SCO की प्रेसिडेंसी कर रहा है, स्पेस में महाशक्ति बनने की ओर है, मिलिट्री और डिफेंस में भारत की ताकत का लोहा दुनिया मान रही है। वहीं यूएन को $40 मिलियन से ज्यादा की ग्रांट भारत हर साल देता है। अब तक 2 लाख से ज्यादा ग्रुप्स को यूएन के पीस कीपिंग मिशन में भेज चुका है, और सबसे बड़ी बात भारत आज एक बेहद पावरफुल नेशन बन चुका है जहां रूस, अमेरिका और चीन की नहीं चलती है, वो देश भी भारत की बात को गौर से सुनते हैं। ये बात आपने अभी सूडान के अंदर अपने लोगों को निकालते वक्त देख ली ही होगी। और बड़ी बात यह है कि भारत को भी पता है कि अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होता है तो भारत को परमानेंट सीट जरूर मिलेगी, लेकिन बिना वीटो पावर के परमानेंट सीट लेना भारत को गवारा नहीं है।